अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास सैमसंग का एक फ़ोन है जो कि कस्टम बाइनरी ब्लॉक पे चला गया है। तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको इसका इलम नहीं है। तो फ़ोन को सबसे पहले हमने डाउनलोड मोड पे शिफ्ट करना है और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। डाउनलोड मोड पे शिफ्ट करने के लिए वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करेंगे और मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, या पावर का बटन दबाने से भी डाउनलोड मोड आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन और मेन्यू का बटन प्रेस करने से ये मेन्यू आएगा, आप वॉल्यूम अप दबा देना है जिससे डाउनलोड मोड पे फ़ोन शिफ्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया आपके फ़ोन कंप्यूटर में सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं या नहीं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब दूसरा सेटअप ये है कि आपने ऑडियन टूल, जो कि छोटा सा टूल है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, इसको ओपन करना है और फ़ोन की स्टॉक फॉर्मेट की जो फाइल है उसको एपी सेक्शन में लोड कर देना है। फाइल लोड होते हुए कुछ सेकंड लगाएगा। फाइल लोड हो चुकी है। अब आखिरी सेटअप ये है कि आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन में फ्लैशिंग का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा और फ्लैशिंग का प्रोसेस जो है वो 4 से 5 मिनट लेगा। इसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके ऑन होगा और फर्स्ट टाइम ऑन होने में 2 से 3 मिनट लगाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की रहनुमाई या दुश्वारी की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me.